हेलो नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में ना जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें। और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी, तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज कक्षा तीसरी, और हमारे विषय का नाम है बच्चों हिंदी, और आज का हमारा घटक है खेल, और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो जैसे बच्चों हमारे घटक का नाम है खेल, तो सबसे पहले हम खेलों के नाम देखेंगे, और उन खेलों का नाम और उनके चित्र भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो खेलों में पहला खेल है रस्सी कूद। देखो बच्चों, इसका चित्र और इस खेल का नाम भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद बच्चों दूसरे खेल का नाम है कबड्डी। फिर हमारा तीसरा खेल है बच्चों फुटबॉल, और हमारे चौथे खेल का नाम है कैरम। इसके अलावा भी बच्चों खेलों के नाम यहाँ दिए गए हैं। तो हमारे पांचवें खेल का नाम है क्रिकेट, छठवां खेल है हमारा सांप सीढ़ी, फिर सातवां खेल है शतरंज, और हमारा आठवां खेल है हॉकी। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ये खेलों के नाम देखे और इसके स्क्रीन पर आपको चित्र भी दिखाई दिए। अब हम खेलों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खेलों के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं मैदानी खेल के बारे में। तो मैदानी खेलों में हम कौन कौन से खेलों का समावेश होता है वो देखेंगे। तो मैदानी खेलों में सबसे पहला खेल है फुटबॉल, फिर दूसरा खेल है बच्चों क्रिकेट, तीसरा है कबड्डी, और चौथा है हॉकी। अब इसके बाद बच्चों मैदानी खेल के बाद हम देखेंगे अंतर्ग्रही खेल। खेलों के प्रकार में दूसरा है अंतर्ग्रही खेल। तो अंतर्ग्रही खेलों में पहला खेल है बच्चों रस्सी कूद, हमारा दूसरा खेल है सांप सीढ़ी, और तीसरा खेल है शतरंज, और चौथा खेल है कैरम। तो हमने बच्चों अभी मैदानी खेल और अंतर्ग्रही खेल, ऐसे हमने खेलों के प्रकार में दो खेल देखे। तो बच्चों हमने मैदानी खेल और अंतर्ग्रही खेल के बारे में जानकारी हासिल किए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मैदानी खेलों के बारे में। तो मैदानी खेलों में सबसे पहले बच्चों खेल का नाम है फुटबॉल। आपके स्क्रीन पर फुटबॉल का चित्र दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, आपके सामने फुटबॉल का चित्र दिखाई दे रहा है। दो चित्र यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो फुटबॉल बच्चों यह बहुत ही लोकप्रिय खेल माना जाता है। तो आइए बच्चों, हम अब फुटबॉल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फुटबॉल यह एक सामूहिक खेल है। इसमें 11 खिलाड़ियों के दो दल होते हैं। इसमें विरोधी दल के गोल में जाकर गोल डालना होता है। इस खेल में गोल रक्षक ही ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे गेंद रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करने की अनुमति होती है। जो टीम अधिक गोल करती है वह विजेता मानी जाती है। फुटबॉल में भी ऐसे बहुत सारे महान फुटबॉलर खिलाड़ी होकर गए हैं बच्चों, और फुटबॉल यहाँ भी देश दुनिया में खेला जाता है। इसके बाद अगले खेल का नाम है बच्चों क्रिकेट। तो क्रिकेट देखो बच्चों, आपके सामने चित्र में क्रिकेट के बारे में
दिखाई दे रहा है आपके सामने, जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें क्रिकेट के बारे में आपको भली भांति इसका स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। क्रिकेट, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिकेट यह बहुत ही लोकप्रिय खेल माना जाता है। क्रिकेट यह मुकाबला दो दलों के बीच खेला जाता है। दोनों दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह टीम विजेता मानी जाती है। एक टीम ने अगर 200 रन बनाई है और दूसरी टीम 200 के ऊपर 201 रन बना लेती है तो उस टीम को विनर विजेता घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, मान लो अगर एक टीम ने 200 रन बनाई है और सामने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है तो पहले जिन्होंने 200 रन बनाए हैं उस टीम को विजेता घोषित किया जाता है। क्रिकेट यह अभी गांव-गांव खेला जा रहा है। क्रिकेट में बच्चों T20, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट यह सब प्रकार है। इसके अलावा अभी वर्तमान में T10 लीग भी खेली जाती है। क्रिकेट यह दुनिया भर में खेला जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, अगला खेल है कबड्डी। कबड्डी यह भी मैदानी खेल है। कबड्डी देखो, अभी आपके स्क्रीन पर कबड्डी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। कबड्डी यह भी बहुत लोकप्रिय खेल माना जाता है और कबड्डी बड़े ही इंटरेस्ट उत्साह के साथ में खेला जाता है। हम स्कूली दिनों से यह खेल खेलते आए हैं और देख भी रहे हैं। अभी कबड्डी के बारे में हम पढ़ते हैं। कबड्डी यह एक लोकप्रिय खेल माना जाता है। इसमें प्रत्येक टीम विरोधी टीम से अधिक अंक पाने की कोशिश करती है। एक टीम का रेडर विरोधी दल में जाकर अधिक खिलाड़ियों को आउट करने का प्रयास करता है। बच्चों, रेडर जो रहता है कबड्स कबड्स कबड्डी कबड्डी बोलकर विरोधी दल में जाता है और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। और जिन जिन खिलाड़ियों को रेडर छूता है उसको कोर्ट के बाहर जाना पड़ता है। और कबड्डी यह खेल आगे वाली टीम के अधिक से अधिक खिलाड़ी को आउट करने का खेल माना जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि विरोधी टीम में जाकर, उनके दल में जाकर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को आउट किया जाए। कबड्डी के बाद हम देखते हैं बच्चों हॉकी। हॉकी भी यह मैदानी खेल का प्रकार है और इसके चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हॉकी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। मेजर ध्यानचंद इस नाम से भली भांति अवगत है हम लोग कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी की सहायता से रबड़ या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती है। हॉकी के बाद में हम देखेंगे बच्चों रस्सी कूद। रस्सी कूद खेल के बारे में, रस्सी कूद यह अंतर्ग्रही खेल है। अभी रस्सी कूद के चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखो सब रस्सी पकड़ के उछल कूद कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रस्सी कूद के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो रस्सी कूदना यह एक बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इससे वजन भी कम होता है, साथ ही साथ मोटापा भी कम होता है। इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, हमारी पाचन शक्ति भी तीव्रता से बढ़ती है, हमें भूख भी लगती है। और इसके साथ जब हम रस्सी कूदते हैं हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के सभी वर्ज्य पदार्थ, जो बेकार पदार्थ है, वह उस पसीने की सहायता से निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर योगेश जी, प्रसाद शेट्टी जी का कहना है कि रस्सी कूदने से हमारा शरीर एक्टिव और फुर्तीला होता है। रस्सी कूद के बाद में हम अंतर्ग्रही खेल में देखेंगे बच्चों सांप सीढ़ी। इस खेल के बारे में आपके स्क्रीन पर
सांप सीढ़ी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। सांप सीढ़ी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सांप सीढ़ी यह खेल घर के किसी कोने में भी बैठकर खेला जा सकता है। इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी भारी भरकम उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम आसानी से इस खेल को घर में बैठकर भी खेल सकते हैं। लूडो के भांति ही इस खेल में लूडो के पासे का उपयोग हम कर सकते हैं और घर घर में यह खेल मनोरंजन की दृष्टि से खेला जाता है। इसे मनोरंजन का उपयुक्त साधन माना जाता है। वर्तमान समय में तो बच्चों टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें आ गई है, इसके कारण इस खेल को अभी ज़्यादातर खेला नहीं जा रहा है, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस खेल को खेला जाता है। सांप सीढ़ी के बाद में हम देखते हैं बच्चों शतरंज। हम देखेंगे शतरंज इस खेल के बारे में। तो देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर शतरंज के भी चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब शतरंज के चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद में हम शतरंज के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, शतरंज यह खेल एक चौपाट के ऊपर दो व्यक्तियों के बीच में खेला जाता है और यह खेल एक बुद्धिजीवी खेल के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथन आनंद और भी ऐसे कई ग्रैंड स्लैम विजेता शतरंज के विजेता खिलाड़ी का हम नाम जानते हैं, जो शतरंज में बहुत ही उन्नत तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। इस खेल की कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर शतरंज इस खेल का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर सभी प्रतियोगी अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों के, यहाँ राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और सभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अभी स्कूली लेवल पर भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सभी अपने बुद्धि का परिचय देते हुए इस खेल में अपना योगदान देते हैं और इस खेल में सब पार्टिसिपेट होते हैं। शतरंज के बाद अंतरग्रही खेल में हम देखेंगे बच्चों कैरम। कैरम यह गांव-गांव में खेला जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। कैरम अभी घर घर में चौराहे पर खेला जाता है। आपके स्क्रीन पर कैरम बोर्ड की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों नौ नौ काली और नौ पीली ऐसी गोटियाँ होती है, साथ ही एक लाल रंग की रानी गोटी भी होती है और उसके साथ ही एक स्ट्राइकर होता है और यह खेल एक से चार व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। इस खेल में कैरम बोर्ड होता है और जैसे मैं बताया, नौ नौ काली और पीली गोटियाँ होती है, एक लाल रंग की रानी गोटी होती है, एक स्ट्राइकर होता है। उसी स्ट्राइकर से हमें गोटियों को मारना पड़ता है ताकि वहाँ बने हुए छेदों में उन गोटियों को डाला जा सके। तो बच्चों, हमने देखे अभी खेल इस घटक के बारे में, अब चलिए हम देखते हैं इसके स्वाध्याय। तो सबसे पहले बच्चों दो खेलों के नाम लिखो। आपने जो देखा है उसी में दो खेलों के नाम लिखो। उसके बाद में है खेलों का महत्व लिखो। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल्वर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वह उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआ रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों,
तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़े और बार बार पढ़े, और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम है ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वहां आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।